ये बन गया आर एन एस टू, आर एन एस टू, और करो ये इसके साथ में आर एच सी रिएक्शन। बात छुट्टी है, एक बजे बाद में आर एन एच और ये आर, फिर इसके साथ में और आप आर एक्स की रिएक्शन कर रही है, ये आर, ये एन, ये आर और ये आर, हो गया। और भी आगे है उसकी रिएक्शन के आर है इसके साथ, इसके आर है वो चार हो जाते हैं और एन और उसके साथ भी ये ये इस पर धनात्मक आवेश होता है, इस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है, इसको कहते हैं अमोनिया का संतुष्ट लवण, अमोनिया का संतुष्ट लवण। अब मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ, उसकी जगह वीडियो रखते हैं। CH3X X की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं, X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हालांकि रिएक्शन तो ज्यादातर वो आयोडीन से ज्यादा होती है। चलो लिख देते हैं NH3, क्या बन जाएगा CH3 NH2, फिर इसके आगे वापस कराओ CH3I से करो, तो ये CH3 NH और ये इसके साथ में CH3O जुड़ गया, फिर और आप रही है CH3 IC। अब ध्यान रखना ये एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। ट्राई मेथिल एनी, डाई मेथिल एनी और ये मेथिल एनी, ये भी ध्यान रखना इनके नाम क्या है, मैथिल एमिन, ये दो मैथिल समूह हैं, ये डाई मैथिल एमिन, इसमें तीन है तो ट्राई एथिल एमिन। नेक्स्ट इसके बाद और करवा दीजिए आप CH3I से जैसे आप रिएक्शन करो ये चारों तरफ CH3 आ जाए, ये चारों तरफ CH3 और बाहर आपकी ये I, ये धन, ये ऋण बाद। अब देखो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा, टेट्रा मेथिल, एक दो तीन चार, टेट्रा मेथिल एमीन चतुष्क लवण क्या है, चतुष्क लवण, चतुष्क, ओके।